संविधान 1950 अनुच्छेद 12 किसी संस्था को सरकार का परिकरण या अभिकरण माने जाने की कसौटी केवल वही संस्था सरकार का परिकरण या अभिकरण मानी जा सकती है जिसके कृत्य घनिष्ठ रूप से सरकारी कृत्यों से संबंधित हो या जहां किसी सरकारी विभाग को किसी ऐसे निगम में अंतरित कर दिया गया हो जिसे ऐसे नियम या विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हो जिन्हें वह जनता के आचरण का संचालन करने के लिए बना सकता है। विराम। विरोधी पक्षकार संख्या 2 इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसके सभी अंश भारत सरकार द्वारा धृत है। विराम। विरोधी पक्षकार संख्या 3 उक्त कंपनी के अधीन एक परियोजना है जो इस न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के अंतर्गत छतरपुर में कार्य कर रही है। विराम। विरोधी पक्षकार संख्या 3 के कतिपय विद्युत के काम का निष्पादन करने के लिए सक्षम ठेकेदारों से निविदाएं आमंत्रित की गई। विराम। पिटिशनर ने जिसने अहित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ठेकेदार के रूप में कारोबार चलाने का दावा किया है अन्य 3 निविदाओं के साथ निबंधनों की अपेक्षाओं के अनुसार अपनी निविदा भेजी। विराम। रिट आवेदन के अनुसार निविदाएं निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में नियत समय पर खोली गई किंतु उनसे यह कह दिया गया कि इन निविदाओं पर समयंक अनुक्रम में विचार किया जाएगा। विराम। जांच पड़ताल करने पर पिटिशनर को यह पता चला कि विरोधी पक्षकार जो कि कलकत्ता स्थित कंपनी है और जिसने समय के भीतर निविदा नहीं भेजी थी से बातचीत की जा रही है। विराम। विरोधी पक्षकार से पत्राचार करने पर पिटिशनर को यह कहा गया कि विरोधी पक्षकार संख्या 5 के प्रस्ताव को सद्भाविक परिस्थितियों में और कंपनी के सर्वोत्तम हित में ही स्वीकार किया गया है। विराम। तत्पश्चात पिटिशनर ने विरोधी पक्षकार संख्या 2 और 3 की कार्यवाही के विरुद्ध पक्षकार संख्या 5 को काम न्यस्त करने की कार्यवाही को विभिन्न अभिकथनों के आधार पर चुनौती देते हुए आवेदन फाइल किया। विराम। पिटिशनर ने यह दलील दी कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 राज्य सरकार का एक परिकरण है अतः यह संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य के अर्थांतर्गत आता है। विराम। यह नागरिकों के बीच कोई विभेद करने और कारोबार करने वाले नागरिकों को समान अवसर से इनकार करने के लिए हकदार नहीं है। विराम। पिटिशनर ने द्वितीय दलील यह दी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 के नियम 45 की पूर्ति नहीं हुई थी अतः यह काम विरोधी पक्षकार संख्या 5 को न्यस्त नहीं किया जा सकता। विराम। इसके विपरीत विरोधी पक्षकार संख्या 3 ने यह दलील दी कि यद्यपि विरोधी पक्षकार संख्या 2 राज्य सरकार का एक परिकरण है तथापि इस मामले में विरोधी पक्षकार संख्या 5 की निविदाओं को स्वीकार किए जाने से इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निविदा सूचना में नियम 45 का उल्लंघन किया गया है। विराम। प्रस्तुत मामले में विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या उस निविदा को जो नियत समय के पश्चात प्राप्त की गई है
किन्हीं भी परिस्थितियों में स्वीकार किया जा सकता है और क्या इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड राज्य का एक परिकरण है। विराम स्टॉप।